हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेख। आज फायर इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स एंड स्टेप टू सॉल्व फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। देखो नाम से पता चल रहा है इस टॉपिक में क्या होने वाला है, आग लगने वाला है। और आग लग के हमको क्या करना है, हमको हमारा क्लेम कितना मिलेगा वो फाइंड करना। इन शॉर्ट यहाँ पे एक फैक्ट्री होगा या एक गोडाउन होगा या एक ऑफिस होगा जिसके अंदर आपने सामान रखा होगा, स्टॉक रखा होगा, गुड्स रखा होगा और अचानक में आग लगने वाला है। बराबर है। आग लगने के बाद हो सकता है पूरा जल जाए, हो सकता है थोड़ा जले, हो सकता है कुछ भी नहीं जले। बराबर है। और हमने जो गुड्स रखा था उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला, मुझे फाइंड करना है मैंने जब उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला है मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देने वाली है। क्लियर। अब गुड्स फाइंड करने के लिए गुड्स का अकाउंट कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। आपको याद होगा फाइनल अकाउंट में गुड्स एंड फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे आप प्रिपेयर करने वाले हो ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो पूरे साल का नहीं बनेगा, वो बनेगा एक तो ईयर स्टार्ट होता है तब से रहेगा, बीच में कहीं ना कहीं आग लगने वाला है। तो इसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब साल चालू हुआ तब से लेके जब तक आग लगा था तब तक के लिए बनेगा। साल चालू हुआ तब से लेके जब तक आग लगा है, जिस डे पे लगा उतने डे तक का ही कैलकुलेशन करना है, उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग। बात समझ में आया क्या? क्लियर। तो इसमें अपने को पता चलेगा कि भाई एक तारीख से लेके जिस तारीख तक आग लगा था उस तारीख तक मेरे पास कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना खरीदा, कितना बेचा, कोई एक्सपेंसेस हुआ, कोई इनकम हुआ, उस तारीख तक अपने को फाइंड करना है। उससे मुझे मिल जाएगा क्या, उससे मुझे मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। सर ऐसा कैसे? यस, स्टेप टू सॉल्व फायर इंश्योरेंस, सबसे पहला स्टेप है फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लोजिंग स्टॉक क्यों फाइंड करना है, आपको मालूम है कि भाई आप रोज बिजनेस कर रहे हो, दुकान खोल रहे हो, सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ला रहे हो, रिकॉर्ड करते जा रहे, रिकॉर्ड करते। तो क्या आपको रोज का हिसाब याद रहेगा क्या? नहीं। आप एक दिन घर पे गए, सुबह उठा यार दुकान में आग लग गया, कितना स्टॉक था कैसे मालूम पड़ेगा, तो भाई कितना आया कितना गया। तो मतलब कितना स्टॉक था, इन शॉर्ट कितना क्लोजिंग स्टॉक था उस डे पे, वो मुझे फाइंड करना। और वो कैसे मिलेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा, समझा। तो पहला काम है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, उसमें ट्रेडिंग एक्सपेंसेस यानी गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड करेंगे और फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। जब वो बोल रहा है फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक, जो कल हमने एक सम किया था अकाउंट ऑफ इनकम ने रिकॉर्ड, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था तो क्लोजिंग स्टॉक मिला था। तो इस केस में भी अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया रहेगा। मैंने दो पॉइंट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड लिखा है। बराबर। इफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, तो एक ही फॉर्मूला है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स के, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स का परसेंटेज हमेशा 100 होगा। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट कितना रहेगा, 100। सिंपल सा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला तो सेल्स 100 लेगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट 100 लेगा। तो स्टैंडर्ड में ये बात मैंने बताया। फिर बाकी चीजें क्या करनी है कैसे करनी आएगा तो हम करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1 फाइंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक तो मिल गया भाई, 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक था। अब फाइंड करना हमने कितना जल गया है, फाइंड लॉस ड्यू टू फायर। सेकेंड, लॉस ड्यू टू फायर फाइंड। पहला क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा लॉस ड्यू टू फायर, आग लगने से कितना स्टॉक चल गया वो फाइंड करेंगे, समझाइए। तीसरा चीज क्या फाइंड करेंगे, तीसरा चीज है अमाउंट ऑफ क्लेम, भाई क्लेम कितना है। तो क्लेम का सीधा वैल्यू पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी तो वही था ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू मतलब इंश्योरेंस निकाला है तो कितने का इंश्योरेंस निकाला है, पॉलिसी वैल्यू इनटू कितना आपको लॉस हुआ जो आपने कैलकुलेट किया है। बात समझा?
क्लियर है। मैं बोलता हूँ कि मैंने मेरा मोबाइल फॉर एग्जाम्पल भाई 1 लाख का, मैंने इंश्योरेंस निकाला है 2 लाख का या 50,000 का, मैंने इंश्योरेंस निकाला बराबर। तो अगर मेरे मोबाइल को कुछ होता है तो 1 लाख का मोबाइल है, 50,000 का इंश्योरेंस, मतलब आधा इंश्योरेंस निकला हुआ है। तो अगर मेरा प्रॉपर्टी में 50,000 का नुकसान आएगा तो मुझे 25,000 मिलेगा, क्योंकि रेशियो आधा का चल रहा है। तो इधर भी रेशियो ही है ना, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, इन शॉर्ट लॉजिक है वो। पॉलिसी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपने निकाला है 1 लाख और आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू है 20,000, तो उसका रेशियो जो आएगा उसी रेशियो में आपको पैसा यानी कि लॉस का पैसा मिलेगा, समझा? तो उतना दिल पे डीप में मत जाओ, सिंपल पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, अंडरस्टूड? फायर इंश्योरेंस में क्या क्या करना है, सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे, लॉस फाइंड करेंगे एंड क्लेम फाइंड करेंगे। इतना छोटा सा टॉपिक है। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साल का आएगा भाई, पूरे साल का हिसाब करो, फिर पूरे साल का, आधे साल में आग लग गया फिर वापस फाइंड करो, तो मतलब पूरे साल का बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद के साल का बनाना पड़ेगा। हो सकता है 5 महीना, 6 महीना या 17 महीना या 16 महीना, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। मोस्टली मेमोरेंडम पर्टिकुलर 5-6 महीने के बीच में आपका हो जाएगा। तो ये कोई डिफिकल्ट सम देने की बात करेंगे तो लोग 2 साल का इंफॉर्मेशन दे सकते। क्लियर? स्टार्ट करेंगे आज का सम, देखते आज के क्वेश्चन में हमको क्या था? पेज आपको जो भी है, पेज नंबर मेरे को ध्यान में नहीं है, तो आप देख लेना। आईनापुरे में सम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या दिया है जरा देखते। फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ अग्नि ऑन 25th of August 2013 व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ सैल्वेजिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड, मतलब आपका जो गुड्स था उसमें कुछ सैल्वेज बच गया, सैल्वेज मतलब आधा अधूरा, आधा अधूरा, थोड़ा सा जल गया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। आगे दिया है सैलवेज वॉज ₹15,000, मतलब जो भी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक था, जो भी था उसमें 15,000 का स्टॉक बच गया है, बच गया मतलब जलने से बच गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। अगेन गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी से अगस्त तक का इंफॉर्मेशन है। परचेज दिया है, सेल्स दिया है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 में टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज दिया है। Cost price of the stock on 1st Jan was 40,000. Over the past few years, Agni has been selling goods at a consistent gross margin of 33% of sales. By default, वहाँ पे sales है. Insurance policy was 50,000. It included an average. Agni is asked you to prepare a statement of claim to be made on the insurance company. चलिए ठीक है. सबसे पहला काम आपने वो closing stock find करना. Closing stock find करने के लिए trading account बनाना. ट्रेडिंग अकाउंट का आपने को इन्फॉर्मेशन जो दिया है, ये आपका 1st Jan 2013 से लेके 25 अगस्त 2013 तक का टाइम का कैलकुलेशन, जिसमें आपको सबसे पहला दिया है परचेज कितने का हुआ है, 85 हुआ है, परचेज लिख दिया 85। ये फॉर्मेट आई होप सबको मालूम है, ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, ये तो आपने किया ही। आगे परचेज के बाद आपको दिया है सेल्स, इतना दिया है 90,000 बाय सेल्स 90,000 दिया है, तो सेल्स ले लिया ना। उसके बाद आपको दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 पे टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज, गुड आ रहा है डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, तो बाय ड्रॉइंग्स बराबर कितना है 5,000 डायरेक्टली आउटर कॉल में लिख देंगे, इधर क्रेडिट दूसरा है, देखा सोचना ही नहीं है आपने बनाया है या नहीं, आपने को इसके बारे में ही सोचना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन 1st Jan, स्टॉक ऑन 1st Jan मतलब कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 40,000 भाई, ओपनिंग स्टॉक 40,000 लिख दिया। फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया है फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स अग्नि हैज बीन सेलिंग गुड्स एट अ कंसिस्टेंट ग्रॉस मार्जिन ऑफ 33% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो ये फॉर्मूला है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स 100, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 33 1/3 मतलब 33.33, तो कॉस्ट कितना, तो 100 में ये माइनस कर दो, 100 में ये माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ना,
बात समझ में आया कितना 67.77 रिकरिंग होते जाएगा, रिकरिंग रहेगा 76 कर सकते मत होता है ना इंसान है आर्यन के गलती नॉर्मल है वो 66.67 हो तो समझ में आएगा ना 33 है तो 7 तो करना ही है आर्यन छोड़ दे बेटा यहाँ तक समझ में आया क्या हाँ अब इससे करना क्या है इससे ये करना है कि आपको फाइंड करना है प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान दें आपको सेल्स मालूम है हाँ सर सेल्स मालूम सेल्स कितना है 90,000 और 90,000 कितना परसेंट है 100% है तो अगर 90,000 100% मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना 33.33% तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 90,000 इंटू 33.33 पूरा लेने का कैलकुलेटर पे दो पॉइंट नहीं लेने का पूरा 33 जितना आता है पूरा लेने का डिवाइडेड बाय 100 करते कितना आ रहा है देखो डिवाइड बाय 100 यस 39,999 इसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स देंगे भाई 33% है तो कॉस्ट 1/3 लेने का है 1/6 देने का कुछ भी सोचना नहीं जो बोला है वैसे करो अपने आप आएगा और टेबल हाइड करवाएंगे तुमको 25 टका है तो भाई 1/4 लेने का प्रॉफिट फिर 50% है तो हाफ लेने का 33 है तो 1/6 लेने का ये सब टेबल हाइड करवाएंगे कोई जरूरत नहीं हाइड करने का ये लॉजिक लेके चल आंसर आएगा ही आएगा ठीक है क्या पक्का है सुनी आगे बढ़ते आगे और कुछ दिया है क्या पॉलिसी का वैल्यू दिया है 50,000 भाई पॉलिसी का वैल्यू मिल गया 50,000 अभी प्रॉपर्टी वैल्यू मिसिंग है दिमाग में फिर और कुछ दिया है क्या नहीं सिर्फ खत्म हो गया सर बराबर तो अब अपने को देखना है कोई रिटर्न्स ले रिटर्न नहीं ले भाई ये आउटर कॉलम में चले जाएगा कितना है 85,000 ये आउटर कॉलम में चले जाएगा 90,000 बराबर चलिए ठीक है अब क्लोजिंग यही साइड का टोटल ज्यादा है भाई इसका टोटल ले लो 1,55,000 वेरी गुड 1,55,000 माइनस करो उसमें 60,000 माइनस कितना आ रहा है 60,000 चलिए ठीक ये 60,000 क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला काम था क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना क्लोजिंग स्टॉक फाइंड दूसरा स्टेप है लॉस फाइंड करना और लॉस कैसे फाइंड करेंगे तो सबसे पहला मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक कितना था स्टॉक मेरे पास 60,000 बराबर क्वेश्चन में आपने अगर पहला लाइन पढ़ा होगा तो उसमें दिया था कि भाई तुम्हारे पास जो भी स्टॉक था ना उसमें 15,000 का स्टॉक बच गया है जलने से क्योंकि अभी मेरी दुकान में 60,000 का स्टॉक है तो जल गया है तो मेरा आज में पूरा 60,000 जल गया नहीं 60,000 के अंदर सैलवेज माइनस करेंगे सैलवेज वैल्यू वैल्यू कितना है 15,000 बराबर है तो लॉस कितने का होगा तो सर जी लॉस रहेगा 45,000 समझ में आ गया क्या क्लियर है क्या पक्का समझा चलिए ठीक है लॉस मिल गया आपका दूसरा स्टेप हो गया तीसरा स्टेप है क्लेम फाइंड करना है और क्लेम का फॉर्मूला क्या है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 60,000 इंटू लॉस कितना है 45,000 समझा क्या पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 45,000 स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम देखिए क्या दिया है बॉनफायर एंटरप्राइज क्लोजेस देयर अकाउंट ऑन 30th of June एवरी ईयर 30 जून को साल खत्म हो जाता है जब जून में साल खत्म हो गया तो चालू कब होगा जुलाई में तो नया साल इनका चालू होता है जुलाई
On 30th September 2013, a major fire destroyed most of their stock. Following information could be gathered from the books. देखो ध्यान से, 30 जून को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो जुलाई में चालू होगा. जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को आग लग गया है, तो 3 महीने का हिसाब है. बराबर है, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट बनेगा वो बनेगा 1st जुलाई 2013 दिया क्या दिया है, 13 दिया है से लेके 30 सितंबर 2013. अरे हिसाब समझा गया. तो हमको इधर 3 महीने का ही रिकॉर्ड करना है, इससे ज्यादा एक्सपेंसेस इनकम नहीं रिकॉर्ड करना है. इसमें आप देख सकते हो स्टॉक ऑन 30 जून का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 1 जुलाई का वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा. तो भाई ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, कितना है, 360,000. इसमें कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. परचेज के बारे में दिया है कि 1st जुलाई से 30 सितंबर तक आपने कितने का परचेज किया है, 6 लाख. भाई 6 लाख का परचेज किया है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, वेजेस दिया 1 जुलाई से 30 सितंबर, सेम चीज है. वेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना, कितना है, 2,30,000. चलिए ठीक है, वेरी गुड. उसके बाद सेल्स कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है, 10 लाख. फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ट, बोला अबाउट पीरियड 10,000. भाई कैरेज इनवर्ट, कैरेज इन कितना है, 10,000. आउटर बैलेंस 10,000. चलिए ठीक है, लिख दिया कैरेज आउटवर्ड सर, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा ना, तो इसको इग्नोर मान ले. समझाइए आगे पैराग्राफ में क्या दिया, एवरेज परसेंटेज ऑफ जीपी टू कॉस्ट इज 33 1/3%. देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये कॉस्ट 100 रहेगा, प्रॉफिट कितना है 33.33, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 133.3. बराबर, आपको हमेशा सेल्स मालूम रहे, हमेशा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सेल्स बोला है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला, आपने को सेल्स मालूम ही रहता है. तो हमको सेल्स के बेसिस पे जीपी फाइंड करना होता है. कल भी फालतू क्वेश्चन था, जीपी परचेज पे कर सकते हैं क्या, नहीं, इस पे कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस. समझ में आया, चलिए ठीक है. तो यहाँ पे इस केस में मुझे सेल्स मालूम है, हाँ सर सेल्स मालूम है, कितना है सेल्स प्राइस, कितना है मेरा 10 लाख. बराबर है, और मैं प्रॉफिट कितना कमाने वाला हूँ, जीबी कितना कमाने वाला हूँ, 33.33 ऑन कॉस्ट बोला है. तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर 10 लाख कितना परसेंट है, 133.33 सेल्स है ना, तो मुझे क्या फाइंड करना है, 33.33%. तो कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख इंटू 33.333 पूरा कैलकुलेटर पे लेंगे, डिवाइडेड बाय 133.333 पूरा कैलकुलेटर पे लेंगे, आपको मेरे हिसाब से 2.5 लाख रुपया आएगा. 2.5 लाख 133.33 देखो 2.5 लाख आया. बराबर, क्या ये मुझे क्या मिला, जीबी मिल गया, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000. अरे बात समझाइए, समझ में आ गया क्या, पक्का तो जीबी मिल गया. आगे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या, आगे देखते आगे क्या दिया, एवरेज परसेंट ऑफ जीपी ऑन द कॉस्ट ऑफ 33 1/3, स्टॉक ऑफ वैल्यू बी 75,000 कुड बी सैलवेज. मतलब जो भी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें 75,000 का स्टॉक सैलवेज है, बच गया है जलने से. तो इसका काम तो इधर कुछ काम है क्या, चलिए ठीक है. आगे देते पॉलिसी वॉज फॉर 2,50,000, पॉलिसी वैल्यू मिल गया है, भाई पॉलिसी वैल्यू लिखता हूँ 2,50,000. अब इधर प्रॉपर्टी वैल्यू क्या आने वाला है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आने वाला है. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया है क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज के बेसिस में देखो हम एवरेज ही निकालते हैं, इसे एवरेज ही कहते हैं. आगे फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, स्टॉक इन द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट. मतलब ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो भी तुमने स्टॉक लिखा है ना वो 10% कम लिखा है, 10% लेस द कॉस्ट. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100% यानी कि कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं हम, तो
तो जो क्लोजिंग स्टॉक सॉरी जो ओपनिंग स्टॉक लिखा है मैंने 10% कम लिखा है, तो जरा वर्किंग बना थी इसके ऊपर और क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज कर। 360,000 जो ओपनिंग स्टॉक दिया है ये 10% लेस है ऐसा बोला है, तो तुम 10% निकालोगे ऐसा करोगे फिर मतलब बेवकूफ लोगे फिर तुम लोग। 10% लेस का मतलब है कि जो 360,000 है ये 90% वैल्यू है, मुझे 100% वैल्यू चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब 100% होना चाहिए, तो 100% वैल्यू कितना आएगा, तो 360,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 4,00,000 मतलब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आना चाहिए 4,00,000, तो इसे और कितना ऐड करना पड़ेगा 10,00,000, तो अभी एड बिट का सीन दिखाने से बेटर है डायरेक्टली इसका वैल्यू 4,00,000 वर्किंग नोट नंबर 1 चलेगा क्यों सर, क्योंकि इसका दूसरा इफेक्ट देना थोड़ी अपने को कि भाई इधर ऐड कर रहे दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, तो 100% वैल्यू कितना 4,00,000, बात समझ में आया क्या आया नहीं सर, तो क्या हम लोग पहले ऐसा लिखेंगे बाद में चेंज करेंगे, नहीं पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, अभी तो अपना प्रोसेस चल रहा है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये समझा आपको पढ़ेंगे आगे उसके बाद क्या दिया। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर 25,000, ओहो परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो 6,00,000 का परचेज है उसमें फर्नीचर खरीदा गया है, ये परचेज का मतलब खाली गुड्स होना चाहिए बट इसमें असेट खरीदा है तो निकालना पड़ेगा, तो 6,00,000 में 6,00,000 में कितना माइनस करना पड़ेगा 25,000, क्यों क्योंकि ये फर्नीचर का परचेज है तो ये 5,75,000 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे परचेज का वैल्यू 6,00,000 नहीं लिखना है, परचेज का वैल्यू 5,75,000 लिखना है, बात समझ में आया क्या, आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसका दूसरा इफेक्ट किधर नहीं सोचना है क्योंकि वो असेट साइड पर जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, अमाउंट स्पेंड फॉर ब्रिंगिंग एंड सेटिंग अप फर्नीचर इन द ऑफिस वाज 5,000 व्हिच वाज इंक्लूडेड इन कैरिज इन्वेंटरी, बाद में कैरिज इन्वेंटरी एडजस्ट में आ गया कि जो भी तुमने कैरिज इन्वेंटरी का वो तो गुड्स का होना चाहिए पर उसके अंदर फर्नीचर का भी है, कितना 5,000, इन शॉर्ट हमारा गुड्स का खर्चा सिर्फ 5,000 है, 10,000 में से 5,000 कम हो जाएगा, समझ में आया क्या, चलिए ठीक है। और कुछ दिया है क्या, नहीं सर अब तो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया तो देखो सारे अमाउंट को अपन आउटर कॉलम में डाल देते हैं, लेस ये 10,00,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, यहाँ पे डैश 5,75,000 हो जाएगा बराबर, और कोई अमाउंट है क्या, नहीं चलिए टोटल ले लेते फटाफट, इसी साइड का टोटल 14,60,000, क्या बात 14,60,000 में 10,00,000 माइनस होगा 4,60,000, अभी 4,60,000 का स्टॉक है तो भाई क्लोजिंग स्टॉक इतने का क्लोजिंग स्टॉक था 4,60,000, तो इतने का गुड्स जला रहेगा, नहीं सर इसमें से सैलवेज निकाल दो, कितना था सैलवेज 75,000 आया नहीं, तो सैलवेज निकाल के जो बच जाएगा वो मेरे लिए क्या है लॉस, कितना है लॉस देखो यहाँ पे 3,85,000, चलिए ये समझ में आ गया, चलिए यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू तो पहले से मालूम है, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 4,60,000 इनटू लॉस 3,85,000 का लॉस हुआ बराबर है, दैट इज अपने को क्लेम मिल जाएगा, कितना आ रहा है क्लेम फटाफट कैलकुलेट करो, 2,09,239 इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी है, समझ में आ गया क्या, पक्का समझा, इसी तरह के आपके फायर इंश्योरेंस के समय थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अपन बट कंसेप्ट के बाहर नहीं जाने वाले, ये जो आपको स्टेप्स दिया इसके बाहर अपन नहीं जाने, कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ सकता है यहाँ पे थोड़ा जैसे अभी आ देखो ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आ गया, परचेज ऐसे एडजस्टमेंट आ सकते बट कंसेप्ट के बाहर नहीं जाएंगे, क्लियर है क्या। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।